स्थिति बेहद कठिन है, चारों ओर दुश्मन है, कुदरत का भी कहर है और भयानक मंजर है। जी हाँ, ये है सियाचिन। हिमालय के काराकोरम के पहाड़ों में मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि। यहाँ पर परिस्थिति इतनी कठिन है कि तापमान हमेशा माइनस में रहता है। मई जून की गर्मियों में भी यहाँ पारा -5 से -10 तक रहता है और सर्दियों में पारा -50 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पर हवा बहुत पतली है और पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। युद्ध का खतरा 24 घंटे मंडराया रहता है और सामना सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि कुदरत से भी करना होता है। और ऐसे बेहद मुश्किल हालात में भारतीय जवान 24 घंटे एक ग्लेशियर की और अपने देश की रखवाली करते हैं। इस जगह पे ना पेड़ पौधे है, ना जानवर है और ना ही कोई पक्षी। यहाँ पे चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी बर्फ के जरा सी भी लापरवाही हाइपोथर्मिया को नौबत दे सकती है। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस कठिन परिस्थिति में हमारे सैनिकों को एक के बाद एक टुकड़ियों में बांटकर 4-4 महीनों तक भेजा जाता है। लेकिन यकीन मानिए, वहाँ पर 4 महीने तो क्या, 4 दिन भी काटना हम आम इंसानों के लिए मौत को दावत देना है। इतनी ऊंचाई पर जहाँ हमारे सैनिक देश की हिफाजत करते हैं, वहाँ तक उनको हथियार, खाना, उनके जीवन की जरूरी चीजें और सारा का सारा सामान नीचे के बेस कैंप से हेलीकॉप्टर में पहुँचाया जाता है। हर सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच एक के बाद एक हेलीकॉप्टरों की परेड लगती है, जिसमें ग्लेशियर की ऊंचाई पे मौजूद सैनिकों को सामान पहुँचाने की कार्यवाही हर दिन की जाती है। आपको अगर मालूम ना हो तो बता दें कि वो फ्रेंच तकनीक के हेलीकॉप्टर सिर्फ 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर ही उड़ सकते हैं, लेकिन हमारे जाबाज पायलट कम सिपाही उन हेलीकॉप्टर को 19,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद पतली हवा होने के बावजूद भी उड़ाते हैं। और जरूरी सामान उन हेलीकॉप्टरों से थ्रो किया जाता है क्योंकि वहां पर लैंड करने की कोई जगह ही नहीं है। यहां तक आप अगर चौके नहीं है तो आगे सुनिए। जब इन हेलीकॉप्टरों से सामान फेंका जाता है तो इनमें खाने की चीजें भी होती है, जिसमें जो आलू होते हैं वो हेलीकॉप्टरों से फेंकने के बाद नीचे गिरते वक्त एक सब्जी के रूप में से एक पत्थर या स्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसे अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो लगेगा कि आलू जैसा एक आरस का टुकड़ा पकड़ा है। ग्लेशियर के ऊपर बसे हमारे जवान कहते हैं कि इस आलू को पकाकर खाने लायक बनाने में कुकर में कम से कम 19 से 20 सीटियां बजानी पड़ती है, तब जाके वो आलू खाने लायक बनता है। आप इस बात से ही वहाँ की परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे जवानों को वहाँ पर सबसे बड़ा खतरा हिमस्खलन का भी रहता है और आज तक उसमें सैकड़ों जवानों की जान भी गई है। लेकिन कुछ जवान ऐसे भी है जो वहाँ के खतरों का सामना करके भी जिंदगी से लड़ रहे हैं। एक 24 साल की उम्र के मेजर जब इस ग्लेशियर पे अपनी ड्यूटी बजा रहे थे तब वहाँ पर बर्फ का भयंकर तूफान आया था और अनफॉर्चुनेटली उन मेजर की उंगलियाँ सुन्न होने लगी। उनकी खबर तुरंत नीचे बेस कैंप तक पहुँचाई गई, लेकिन भयंकर तूफान के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। तूफान पूरे 6 दिन तक चला और तूफान के थोड़े ही कम होते ही सबसे पहले हेलीकॉप्टर उस जवान को लेने के लिए रवाना हुआ। उनको तुरंत नीचे लाया गया और दिल्ली के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन देर इतनी हो गई थी कि उनका एक हाथ और एक पांव काटना पड़ा। लेकिन दिल को हिला देने वाली बात समझिए दोस्तों, जब वो स्वस्थ हुए तो उनके जज्बे में 1% की भी कमी नहीं आई और ना ही उन्होंने फौज को छोड़ा और ना ही हमारी फौज ने उन्हें छोड़ा। आज वो मेजर पुणे के आर्मी कैंप में नए फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, ये होती है देशभक्ति और देश की सेवा। हम यहाँ आराम से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन आज हम सबकी सांसें उनके कारण चलती है। वो चाहे सियाचिन में हो, राजस्थान के रण में हो, या सुंदरवन के जंगलों में हो, या देश के कोई और अंदरूनी हिस्से में हो, लेकिन आज उन्हीं के साहस के कारण हम जिंदा हैं। उन देश के वीरों को हमारा सत सत प्रणाम। अगर आप लोगों को भी कभी समय मिले तो किसी दिन या किसी त्योहार पर हमारे आर्मी ऑफिसर्स को मिलने जरूर जाए। आज के लिए इतना ही, और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी और जवानों की शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम, जय हिंद।